अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर, और किचन विद कौसर में आज चिकन का वाइट पुलाव बनने लगा है। और ये वाइट पुलाव में मैं एक मसाला डालूंगी वाइट पुलाव का, तो उससे बेहद लजीज बनेगा ये, तो आपने भी वैसे ही फॉलो करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। एक मैंने पतीला लिया है और एक कप उसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ बड़ा वाला कप, ठीक है, क्योंकि एक किलो चावल है और एक किलो चिकन है, तो उसमें बड़ा एक कप ऑयल का इनफ है। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है। अच्छा, प्याज लेनी है आपने आधी छोटी वाली, ज़्यादा आपने प्याज बिल्कुल नहीं लेना, सिर्फ आधा छोटा प्याज लेना है। तो प्याज डाल के हम थोड़ा सा इसको पहले कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के बाद मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या मसाला डालना है। ज़ीरा डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक मैंने लिया नहीं है, सिर्फ लहसुन, ओनली लहसुन लेना है आपने 1 टेबल स्पून भर के। तो लहसुन डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये जले ना। अदरक आपने बिल्कुल नहीं डालना वरना टेस्ट चेंज हो जाएगा। और अब इसमें जाएंगे चिकन, तो चिकन डाल देंगे हम। चिकन को आपने अच्छी तरह धो के डालना है। तो चिकन डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि वाइट कलर हो जाए, थोड़ा सा इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और लहसुन की भी स्मेल निकल जाए। तो इसमें डाल दूंगी हल्का सा पानी, क्योंकि पानी खुश्क हो गया था। तो इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट हो चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं और देखें, चिकन हमारा वाइट हो गया है और पक भी गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम ये ज़बरदस्त वाइट मसाला, पुलाव का है वाइट मसाला पुलाव, ठीक है। आपने 2 टेबल स्पून इसमें ये डालना है। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत। तो आपने ये दोनों चीज़ें डाल देनी है इसके अंदर, और इसका ज़ायका आप देखिए खुद ही, इतना अच्छा आएगा ना, डिफरेंट बिल्कुल ज़ायका और बहुत लजीज, आपके मुंह से ये पुलाव हटेगा ही नहीं। तो हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। और इस तरीके से देखें मिक्स कर लें। अब इसमें डाल दूंगी चावल 1 किलो। आधा घंटा पहले मैंने धो के इसको भिगोया था, आधा घंटा आपने रखना है इसको भिगो के, फिर इसमें डालने आपने चावल। पानी निकालने के बाद आपने इसमें चावल डाल देने हैं, और चावल डाल के इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स ताकि मसालों की खुशबू अच्छी तरह इसके अंदर रस बस जाए। तो बहुत मज़ेदार चावल बनते हैं इस तरीके से। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल देखिएगा आप कितनी अच्छी डिफरेंट आपकी पुलाव बनेगी ये। और ये मिक्स हो चुके हैं। अब डाल देंगे इसके अंदर हम गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के, पिसा हुआ है ये, आपने पिसा हुआ डालना है। और इसमें डाल देंगे पानी, पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ 5 गिलास, 1 किलो चावल में 5 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं। अभी मैंने डाले हैं 3 गिलास और 2 गिलास ये, तो टोटल 5 गिलास हो गए हैं। तो इसको मैं अब मिक्स करूँगी, और इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं कम या ज़्यादा, ठीक है, अगर कम है तो आप और डाल सकते हैं। तो इसको कवर कर दूंगी मैं पानी खुश्क होने तक, और पानी खुश्क हो चुका है तो चेक कर लेते हैं। ये देखें पानी खुश्क हो गया है, और इसको मैं लगा देती हूँ दम पर, पहले एक दफ़ा चेक करा दूँ। ये देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो अब मैं रख दूँगी इसको दम के ऊपर 15 मिनट के लिए, तो कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, और देखते हैं कितने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। बच्चे बड़ों ने बहुत शौक से खाना ये पुलाव, और मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अब बहुत अच्छे से चावल रेडी हो गए हैं, और मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसको चटनी, रायते, सलाद के साथ खाएं, बेहद मज़ा आएगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि पुलाव आपका कैसा बना है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।